हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रोहित सिंह एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर इन दिस कोर्स। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इमीडिएट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज हम जो बनाने जा रहे हैं, हम एक रिएक्ट नेटिव से एक यूआई बनाएंगे जो कि इस तरीके की यूआई होगी। ये मैंने ड्रेवल से लिया और ड्रेवल पे जाकर के आप काफी सारी यूआईज वगैरह देख सकते हो रिएक्ट नेटिव से रिलेटेड। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ड्रेवल रिएक्ट नेटिव, ये सर्च करना है। यहाँ पे आपके पास ऊपर की दो लिंक आएगी, आप इसमें से देख सकते हो जाकर के। और भी बहुत सारी हैं रिएक्ट नेटिव के डिजाइन, तो वहां पे जाकर के देख सकते हो कि अलग अलग तरीके की आपके यहाँ पे लेआउट आ सकते हैं। इधर जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने ये वाली ली है और इसे कैसे बनाते हैं मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी ऐप को ओपन कर लेते हैं। उधर जाकर के मैं रन कराता हूँ कमांड यार स्टार्ट। जब तक ये ओपन हो रही है, हम लेट्स व्यू से अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लेते हैं। इसको VS Code में ओपन कर लेते हैं। इंडेक्स को हटा देते हैं और यहाँ पर अब इसे डेवलप करना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक चीज याद रखना कि आप लोगों के पास एक पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए React Native टाइप प्रोग्राम से, ये वाला। ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा था पहले, package.json मैंने पहले पढ़ाया था तो तुम्हें पता होगी कि मैंने इंस्टॉल किया था। टाइपोग्राफी है ना, ये रहा रिएक्ट नेटिव टाइपोग्राफी, ये इंस्टॉल कर रखा था मैंने ऑलरेडी। तो इससे हमारे पास टाइपोग्राफी से रिलेटेड अच्छी अच्छी स्टाइल्स वगैरह आ जाती है। इसकी npm पैकेज पे चलते हैं, वहाँ पर अच्छे से दे रखता है। हमारी ऐप रन होकर के आ गई है यहाँ पे। कमांड बस यही रन करानी है, यार नेट रिएक्ट नेटेड टाइपोग्राफी, इसके बाद आपके पास टाइपोग्राफी आ रही है। अब देखो, अब हमें देखो जरूरी नहीं है कि मैं वही टेक्स्ट लूँ। अगर आप कंपनी में वर्क कर रहे हो तो आपको बता दिया जाएगा कि इसकी फॉन्ट फैमिली कौन सी है। अच्छा ठीक है, तो आप उस हिसाब से लगा लोगे, लेकिन अब इसकी फॉन्ट फैमिली कौन सी है मुझे अभी नहीं पता है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसे क्लोज कर देते हैं। यहीं पे चेक कर लेंगे सारा का सारा क्या है। अरे वो नहीं दिखाया, चलो लोड हो रही है अभी, ये अभी थोड़ी देर में दिखाएगा टाइपोग्राफी से रिलेटेड। ठीक है, जब तक हम क्या करते हैं, हम अपने ऐप्स को डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। एक अब इस तरीके की इमेजेस कहाँ पे मिलती हैं, जो इस तरीके की इमेजेस चाहिए तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशन पे जाकर के देखते हैं। या तो आप लॉटरी से उठा सकते हो या फिर इलस्ट्रेशन पे जाकर के देख सकते हो।
इसमें कुछ फ्री भी हैं और कुछ पेड भी हैं। इसके अलावा और भी होते हैं। फिर ये वाली नहीं, ओपन करते हैं हम, देखते हैं अनड्रॉ रॉकेट। किचन ट्रिक्स डालना, किचन ट्रिक्स वेबसाइट है। अच्छा डाल रहा हूँ। क्या कह रहे थे? किट एंड ट्रिक्स। हाँ सर, हाँ, इसका क्या करना है? कौन सा ओपन करना है? इस पर भी रिलेटिव की वेबसाइट वो है, इमेजेस ग्रीन टेक्स्ट पे, रिएक्ट कहाँ है रेट नेटवर्क की मोटी? नेटिव मोबाइल स्टार्टर किट है, 40 ब्यूटीफुल स्क्रीन दे रखा है इसमें। हाँ तो क्या हो गया? स्क्रीन दे रखा तो क्या हो गया? स्क्रीन तो थोड़ी ना मतलब है मुझे, मेरे को तो ये लगानी होगी। जैसे कि मान लो कोई सी भी इमेज ले लो, कोई सी भी हो सकती है। इमेज तो इंडिविजुअल की ले लेते हैं। इलस्ट्रेशन पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, जैसे एवरीडे लाइब्रेरी स्टेशन नाम से है, ये मैंने कॉपी कर लिया। टोटल साइज इसका इतना है। फाइल फॉर्मेट SVG है और ये है, तो इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करना चाहो डाउनलोड कर सकते हो। और तो क्या है कि ये सारे के सारे इलस्ट्रेशन आ जाएंगे आपके पास डाउनलोड करके, लेकिन उनमें से मुझे तो कोई यूजफुल लग रहा नहीं है। मैं काम कर रहा हूँ अनड्रॉ वाला ही डाल देता हूँ अभी, कोई ठीक है ना, कोई सा भी ले करके। इमेज ढूंढना ही सबसे कठिन काम होता है। चलो मान लो ये कोडिंग वाला ही डाल लेते हैं, ठीक है। ओके, ठीक डाउनलोड PNG। वैसे अभी मैंने SVG तो मैं नहीं सिखाया कि SVG कैसे रिएक्ट नेटिव के साथ रखते हैं, इसलिए अभी मैंने ये नहीं बताया। SVG मैं अभी बता दूंगा, पहले मुझे ऐप आइकन वगैरह भी बताना है तुम्हें कि ऐप आइकन वैसे कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो आज एक तो ये कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या, मैंने ये इसकी जगह एक PNG इमेज ले लिया। वैसे तो वो SVG इमेज है, ये रही PNG इमेज, ये ले लिया मैंने, ठीक है ना। इसको भी लगा लूंगा मैं भी। और रिएक्ट नेटिव टाइपोग्राफी ले रखी है मैंने, रिएक्ट नेटिव पेपर ले रखा है, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैं इजीली अपने एप्लीकेशन को बना लूंगा। मैं एक और ओपन कर लेता हूँ, रिएक्ट नेटिव पेपर ये रहा, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये बनाते हैं, ये वेलकम टू, ये जो लिखा हुआ ना न्यू में, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, ऐप में जाएंगे, ये सारा कोड डिलीट करो, RNF दो, यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आने के बाद हम इस व्यू के अंदर स्टाइल देते हैं, फ्लेक्स 1, ओके। और एडिंग दे दो इसके अंदर 20 पिक्सल, 20 का वो 30 पिक्सल, ठीक। ठीक अब ये जो लिखा हुआ है ये टेक्स्ट में लिखा जाएगा, तो पहले अब अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर लो ऐप का, ठीक। तो हमारे पास पहले मैं स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद बनाते रहेंगे, ठीक है। इसमें लिखते हैं हम वेलकम, और फिर इसके बाद ये नई नेक्स्ट लाइन में है ना, मैंने तुम्हें बताया था कि नेक्स्ट लाइन में लिखना है, तो हम क्या करेंगे इस तरीके से जावास्क्रिप्ट देखते हैं, ठीक डबल कोट में ठीक है। टू MYOMUS,
इसके बाद एक टेक्स्ट और दो और उसमें लिखा हुआ होप यू आर वेल टुडे। ठीक है, इसके बाद आपके पास लॉग इन का बटन है, कंटिन्यू का बटन है, पर बीच में एक इमेज रखी हो तो इमेज रख दो। अभी सेव मत करना क्योंकि मैंने टेक्स्ट और व्यू ले रखा है। इमेज ले लिया मैंने, अब तो इमेज भी आ जाएगा। इमेज में SRC लिया, इमेज सॉरी सोर्स, सोर्स इज इक्वल टू रिक्वायर। ठीक है, रिक्वायर के बाद आपके पास जो आपने इमेज डाउनलोड करी थी, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ड्रॉकेट नाम से जो इमेज थी, नहीं वो कौन रही, डाउनलोड कहाँ करी थी, डाउनलोड इसे उठा लेंगे और एक काम करते हैं, इसे उठा करके हम अपने इसमें डाल लेते हैं। ठीक है, अभी आई कि नहीं आई, अभी तो आई नहीं, कट कर लेता हूँ, क्लोज कर देते हैं, इसे भी क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर जा करके इसे डाल देते हैं। SRC के अंदर डालना चाहो SRC के अंदर डाल दो, एक एसेट्स में इमेज नाम का फोल्डर बनाना चाहो तो उसके अंदर भी डाल सकते हो। ठीक है, अभी मैं हाल फिलहाल SRC के अंदर ही मेरे एसेट्स पड़े हुए हैं तो मैं इधर ही डाल देता हूँ। ठीक है ना, इमेज नाम से, ठीक, इसी इमेज को आप लोड करवा लो। जरा ये, और इस इमेज को आप, सबसे पहले आपकी इमेज पड़ी कहाँ है, मैंने कहाँ पे पेस्ट करी थी, मैंने आपकी इमेज पेस्ट करी है एसेट्स के अंदर, ये रही इमेज। तो मैं कंपोनेंट से बाहर आना पड़ेगा, अभी हम कंपोनेंट में वर्क कर रहे हैं, कंपोनेंट से बाहर आना पड़ेगा। तो कंपोनेंट से बाहर आने के लिए दो डॉट लगाओ, स्लैश लगाओ। अब आपके पास एसेट्स आ गया, एसेट्स के अंदर आपके पास इमेज डॉट png, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद आपके पास एक लॉग इन बटन है, तो टचेबल ऑपेसिटी से बनाया हुआ है ये, तुमने देखा होगा, तुम्हें दिख रहा होगा कि कस्टमाइज्ड बटन है। टचेबल, हाँ, तो टचेबल ऑपेसिटी बनेगा, टचेबल, टचेबल या प्रेसेबल कंपोनेंट कोई सा भी ले सकते हो। और इसमें लिखा हुआ लॉग इन, टेक्स्ट दे दो लॉग इन, ठीक है। नीचे एक और टचेबल ऑपेसिटी बना दो और दे दो कंटिन्यू विद ईमेल। कुछ था इसमें नहीं, बस इसे स्टाइलिंग करना है फिर इसके बारे। शुरू में कठिन मत लिया करो कभी भी कोई चीज, हमेशा सिंपल से शुरू किया करो। ठीक है, अभी तुम्हारे पास जा चुकी है, अभी देखो इसमें टचेबल ऑपेसिटी नहीं है, अनपोर्ट किया इसलिए एरर दे देगा। टचेबल ठीक है ना, ये इम्पोर्ट नहीं किया था इसलिए एरर दे देता, दिख रहा ना टचेबल ऑपोजिटिव नॉट फाउंड। तो एक काम करते हैं, दोबारा रिफ्रेश कर देते हैं, अभी हमने ऐड कर दिया तो अभी देखा। आ गया, वेलकम टू दिस दिस दिस, और लॉग इन के लिए बटन नहीं आया इसमें। इमेज नहीं आई, इमेज आई है, वो एक्चुअली बहुत बड़ी आ गई है इमेज, ठीक है ना, इमेज आई है लेकिन वो बहुत बढ़िया है। इसके लिए एक काम करो, इसके लिए एक व्यू ले लो ताकि ये व्यू से बाहर ना निकले। ठीक है, वैसे तुम चाहो तो रिएक्ट नेटिव पेपर का भी यूज कर सकते हो, मेरे को तो अभी लग रहा नहीं है तो मैं इसलिए यूज कर रहा नहीं हूँ। इसमें स्टाइल में दे देते हैं width 100%, ये डायमेंशन डॉट गेट करके दे दो ऑटोमेटिक चल जाए। एक मिनट, width 100% दे देते हैं और इसका
रिसाइज मोड, कंटिन्यू। वो नहीं आ रही, इमेज वैसे आ रही है यहाँ पे, दिखाई नहीं दे रही तुम्हें। एक काम करते हैं, ऐसे करके ले लो डायमेंशन डॉट गेट विंडो इमेज को। डायमेंशन को ले रहे हो, हेडिंग हेडिंग ठीक है, और हाइट दे देते हैं इसकी। उधर आपने स्टाइल में ऊपर हाइट 100% दे दिया, फिर दोबारा क्यों दिया है 100%? एक मिनट, मेरे को 100% नहीं देना चाहिए थी, मेरे को कुछ इसका नल करके देना चाहिए। 100% इधर। अरे ये तो इमेज का साइज है ना, ये व्यू का साइज है। इसकी हाइट अब कम करनी पड़ेगी। हाइट कम करने के लिए अब आपको डायमेंशन एपीआई का यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पर इसे कांस्टेंट विड्थ कमा हाइट इक्वल्स टू डायमेंशन डॉट गेट विंडो तो आप इसकी जो हाइट है व्यू की, एक तो वो कम कर लो, हाइट कोलन हाइट डिवाइडेड बाय टू, टू करके देखते हैं अभी पहले। अरे हाइट डिवाइडेड बाय टू ये आ गया, लॉग इन विथ कंटिन्यू वगैरह वगैरह, क्योंकि व्यू अभी हमारा इतना आ रहा है और सही आ रहा है। अगर हम इसमें विड्थ और हाइट हटा दें और दो का जो डिवाइड कर रहे हैं तो फिर क्या रेस्पॉन्स आ रहा है? क्या वेट तो 100% दे दिए ना हमने व्यू में और हाइट हाँ, दे दी है डिवाइडेड बाय टू। हाँ, अगर हम इसको हटा दें हाँ, तो फिर क्या कैसा इफेक्ट, कुछ नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी इमेज जितनी नहीं, साइज। ये वाला नहीं ऊपर वाला जो व्यू में दिया आपने स्टाइल, ऊपर व्यू में दिया है, व्यू में हटा दो। लेकिन इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो व्यू है ना, जैसा व्यू है ये है, मतलब जिसके अंदर इमेज आ रही है इस समय, इसके अंदर कुछ और भी चीज रखनी हो तो वो भी रख सकते हो, इसलिए मैं व्यू बना करके चल रहा हूँ। तो मतलब दिखेगी तो ऐसी दिखेगी ना। हाँ, अभी देखो सुनो, हाइट डिवाइडेड बाय टू करा है, थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं, हाइट डिवाइडेड बाय थ्री कर लेते हैं। नहीं 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 टू ही, हाइट ही रहने देते हैं आपने, थोड़ी छोटी कर ही लेते हैं। इसको हटा दो यहाँ से, अभी देखते और मैं क्या कर दूं, मैं इन बटन्स को वगैरह को ले आता हूँ। सबसे पहले हमारा जो टेक्स्ट है उसको सेंटर में लेकर के आते हैं, ठीक है ना। और टेक्स्ट को सेंटर में लेकर के आते हैं, स्टाइल देकर के, स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। तो ये दोनों सेंटर में आ गए, ये भी सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, ये भी सेंटर में आ गया। अब हम थोड़ा सा, और ये जो है बटन्स आपके, ये भी सेंटर सेंटर में आने चाहिए, ठीक है। और ये नीचे की तरफ आने चाहिए, वो बाद में हो जाएगा, पहले हम इसे सही कर लें, इसका साइज वगैरह इंक्रीज कर लें। क्लियर, इसका साइज इंक्रीज करने के लिए हमारे पास यहाँ पर दे रखा हुआ है इसने रेगुलर बोल्ड, और कैसा उसका थोड़ा बोल्ड टाइप का है और इस तरीके का है। वैसे ये पता है मॉन्स्टी रेड फॉन्ट है, इतना पता है मुझे मॉन्स्टी रेड फॉन्ट है, पर मैं अब उसको नहीं लगा रहा हूँ अभी, क्या है कि उसको लगाने में फिर यही होगा, इंस्टॉल तो है पर फिर भी ये जल्दी लग जाएगा, इसलिए लगा दे रहा हूँ। लिखा हुआ ना हैवी, इसको लगा लेते हैं। इसको लगाने के लिए इम्पोर्ट सेंस फ्रेसिस को आपको करना पड़ेगा,
यही वाला लगा लेते हैं, यही वाला। ठीक है, क्या करते हैं, इसको कॉपी करो, इसको यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है। और ये जो आपका स्टाइल है, इसमें कॉमा दे करके देन फ्रांसिस्को वेट्स डॉट एवी, दिस वेट्स आर ओनली हमने ट्वेंटी। मेरे को वो नहीं मिल रहा, आ गया, कैसे लगाया था उसने। अच्छा, एक सिंगल दे करके लगाया, कोई नहीं, तो इसे हटाओ यहाँ से। रिफ्रेश, अरे हाँ, नहीं रहा है इधर, ये इंस्टॉल कर लो इसको। इंस्टॉल है, कुछ गलती हो रही है। एक काम करते हैं, ये करते हैं, मेरे को लग रहा है कि दो स्टाइल में ले रहा हूँ ना, उस हिसाब से नहीं आ रहा। पहले मैं इसे रखता हूँ, मटेरियल, मटेरियल डॉट डिस्प्ले, ठीक है। और इसे लेते कह रहे हैं, बाहर चला गया। पहले मैंने कुछ गलती करी है, याद देखते हैं। अभी ये कुछ इस तरीके का आ गया, इसको डिस्प्ले टू और देते हैं, थोड़ा सा छोटा है, कितना, इतना ही छोटा है ना, नहीं और थोड़ा छोटा है। अभी सही आया, ठीक है। मटेरियल और डिस्प्ले क्या है? अरे ये सी का पैकेज है, मटेरियल डॉट डिस्प्ले जो है, ये ले रखा मैंने, मटेरियल डॉट डिस्प्ले को, डिस्प्ले 4 है, डिस्प्ले 1 तक होगी। मेरे को मैंने दो स्टाइल्स भी लगाई थी, लेकिन अभी मेरे को दिख रही नहीं है दो दो स्टाइल्स कैसे लगाई थी इसके थ्रू मैंने। दो स्टाइल्स लगाई कैसे थी मैंने। टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट लाइन दे रहा हूँ, सेंटर को हो रहा नहीं है।
और भी चीज देखते हैं। चलो फ्लैट रेगुलर, रेगुलर 12 कैप्शन, रेडियल डॉट कैप्शन। पहले चलो उसे लगा लेते हैं, फिर उसके बाद सेंटर वगैरह कर लेते हैं। समझ में आ रहा तुम्हें? क्या नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा? तो पूछते क्यों नहीं? नहीं आ रहा तो क्यों? जी तो सर। क्या तो बहुत छोटा दे दिया उसने, देखो आ तो रहा है लेकिन ये छोटा आ रहा है, बहुत ज्यादा सेंटर में आपने लगा रहा हूँ मैं सेंटर में। एक काम करते हैं, सेंटर अच्छा। एक काम करना, एरे में लेकर के लगाना है ऐसे प्रॉपर्टी, ठीक है? ठीक। अब सेंटर में हमें हमारा अगला वो क्या था, ये वाला टेक्स्ट था और ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा था, इस कलर का भी था, कलर भी ले लेंगे अभी, लेकिन पहले मैं वो ले लूं, जैसे ये वाला कलर था सिस्टम थिन, ठीक है? ये वाला ही तो कलर है बिल्कुल, वो सिस्टम है ना? तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सिंपल ये जो सिस्टम वेट्स लिखे हुए हैं ना, इसको कॉपी करना है, या तो ये सिस्टम वेट्स ही उठा लो सीधे इसमें से, और ये रिएक्ट नेटिव टाइपोग्राफी है ना, फॉर्मा लगा करके यहाँ पे सिस्टम वेट्स का इसको हटा दो, क्लियर?
इसके बाद आपके पास, आपने जो टैक्स अलाइन सेंटर दिया वो कर्ली ब्रेसेस में दिया एक लिस्ट में। हाँ अब ये देखो सिस्टम थिन लिखा हुआ है, इसको लगाने के लिए आपको ये जो सिस्टम वेट्स है, मैं पहले ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ यही वाले को, और इसी को लेकर के यहाँ पे लगा लेते हैं, उसके बाद चेंज कर लेंगे। कॉपी किया यहाँ पर लेकर के यहाँ पर इसे पेस्ट किया, और मटेरियल डिस्प्ले की जगह सिस्टम वेट्स डॉट थिन, ये देखिए क्लियर, सेव करते हैं। बिल्कुल ही चला गया, देख भी रहा है। लाइट देखें, क्या नहीं आ रहा है, ये आ गया। होप यू आर वेल टुडे, दिख रहा है ना। क्यों यहाँ तक समझ में आया? आ रहा है। इसके बाद अब हम लोग इसमें थोड़ी सी गैपिंग वगैरह भी दे रखी है, देखो यहाँ पे इसने, तो इसको गैपिंग दे देते हैं। मार्जिन ऑफ 10 पिक्सल्स का गैप दे दिया हमने, और अभी चेक करते हैं कितना आ रहा है, क्या वैसे ही। इसके बाद अब इन दोनों को कस्टमाइज करना है। इन दोनों को कस्टमाइज करने के लिए आप तो स्टाइल दो इसकी, ठीक करते हैं, और बैकग्राउंड कलर ये घूम के कौन आया है इस तरह से आता है ऑनर कौन से क्या? अच्छे और ऑपोजिट तो वो ऑनर हो जाता है ना जैसे कि जब अभी तो स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है उसके चारों कोने वैसे हो जाते हैं। अरे वैसे नहीं होते, अभी करने पड़ेंगे, एकदम से कैसे हो जाएंगे। इसकी विड्थ भी 100% ही दे देते हैं, टू वगैरह देने से नहीं आ रही। अभी आ गई। इसके अलावा इसे कोने चारों के चारों रेड होने, वो वैसे होने चाहिए, इसलिए इसमें पैडिंग भी दे देते, थोड़ी सी पैडिंग दे दी हमने 20 की, चेक करते हैं 20 ज्यादा ही, 15 दे देते हैं, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस दे दिया हमने 10 दे दो या 15 दे दो, क्लियर। इसके बाद जो टेक्स्ट है उसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम दे अलग आइटम सेंटर दो, सेंटर में आ जाएगा। यही सारी चीजें इसके साथ कर दो, नीचे वाले बटन के साथ, और इसका कलर थोड़ा चेंज कर देंगे हम। ठीक है ना, ये दोनों आ गए, बस इसमें थोड़ा सा मार्जिन और देना पड़ेगा आपको, मार्जिन टॉप से कंटिन्यू विद जीमेल वाले पे, मार्जिन टॉप 50। अभी देखते हैं कि ये बिल्कुल उसी तरीके से है, बस इसका कलर थोड़ा चेंज है, अभी से भी सही कर लेंगे कि इसका कलर कैसे ऐसे आ रहा है। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास इसका कलर अवेलेबल है कि नहीं है,
ये रहा इसका कलर, यही तो है, यही ऑरेंज वाला कलर तो है ना। वही है। और अगर जैसे तुम्हें लग रहा है कि यही कलर चाहिए मेरे को सेम, तो इसके लिए क्या करना है, आप प्रिंट स्क्रीन नाम से एक बटन होगा तुम्हारे कीबोर्ड पे, क्या प्रिंट प्रिंट स्क्रीन नाम से एक बटन स्क्रीन होगा, है उसे, इंसर्ट हाँ, के बगल्स में? उसको प्रेस करो, उसको प्रेस करने के बाद पेंट को ओपन करो और यहाँ पे कंट्रोल वी दबा दो। मेरे से नहीं हो रहा, देखना पड़ेगा। प्रिंट स्क्रीन मैंने दबाया तो सही, यहाँ पे आ जाना चाहिए पेस्ट। चलो मैं एक काम करता हूँ, इस इमेज को ही ओपन कर लेता हूँ, पेस्ट फ्रॉम डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे ये इमेज थी, ये आ चुकी है मेरे पास, ये वाला दिख रहा है पिकर नाम से कलर, ये जो दिख रहा कलर पिकर, इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करने के बाद ये जो कलर है इस पर क्लिक करो तो यहाँ पर ये कलर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, एडिट कलर्स पे जाना है, इसके बाद आपको ये रेड ग्रीन और ब्लू वैल्यू दे देगा, तो यही वैल्यू यहाँ पर दे देनी तो आपका आ जाएगा। तो उसको कैसे देना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर है इसमें आपको देना RGB, ठीक ठीक। RGB के बाद ये रेड की वैल्यू क्या है, 242, 242 कॉमा 152 कॉमा 45, क्लियर, सेव करते हैं। और इसी के साथ हम एक काम वो कर लेते हैं, हमारे पास ये जो नीचे वाला बटन है ना, इसकी भी वैल्यू ले लेते हैं, ये वाला, तो इसके लिए भी पिक कर लो, यहाँ पे क्लिक करो, ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद एडिट कलर्स में जाओ और ये आ जाएगी 243, 245, 247। तो सेम वही काम जो अभी हमने किया था पहले वाले बटन के लिए, वही काम इसमें कर देंगे, RGB का कलर पेस्ट कर देंगे, ये वाला नहीं जो अभी हमने लिया है पेस्ट किया। पेस्ट कर दिया, इसकी वैल्यू क्या, 243, 245, 247, 243, 245 और 247, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, अभी हमारे पास बिल्कुल वैसे ही बटन आ चुके हैं, दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये देखो ये आ गए। अब बस क्या करना है, इसका आपको जो वो होता फॉन्ट साइज वो सही करना है, इसके लिए क्या करेंगे, कहाँ गया, टेक्स्ट स्टाइल, उसमें कलर दे रखा है ना, हम उसका कलर ले लेते हैं ना, टाइपोग्राफी वाले का ऐसा दे रखा है, इसमें लॉग इन और ये दे रखा है स्मॉल, इसी तरीके से दे रखा है। मिलना चलो यही वाला ले लेते हैं, काफी हद तक ये मिलता जुलता है ये वाला, तो इसमें वेब में हम ले लेते हैं अल्ट्रा है अल्ट्रा लाइट का को ले रहे हैं, इसका साइज भी तो देखना पड़ेगा, या फिर वो तो हम कर लेंगे, वेब रेगुलर जो है ना इसे कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेब वेट्स करना पड़ेगा कॉपी, और यहाँ पर इसे पेस्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर स्टाइल में जा करके यही वाली स्टाइल कॉपी कर दो, अभी हम इसे चेंज कर इसमें लेंगे, कॉपी डॉट लगा के कर, देना पड़ता है। हाँ डॉट लगा के देना पड़ता है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यही चीज यहाँ पर भी पेस्ट कर दो। ऊपर इसमें चेंजेस भी तो करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर वेट्स कॉपी गया, यहाँ पर वेट्स पेस्ट कर दिया, और वेट्स यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया। अब इसमें कौन सा वेट था, इसमें वेट था हमारा रेगुलर रेगुलर, ठीक रेगुलर है ना, तो यहाँ पर भी रेगुलर पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर वगैरह नहीं देना है हमें, टेक्स्ट अलाइन सेंटर वगैरह नहीं देना है, बिकॉज क्या है कि ऑलरेडी वो सेंटर्ड है जस्टिफाई कंटेंट वगैरह की प्रॉपर्टी से, तो अभी हम इसे छोड़ देते हैं, इसे कुछ नहीं देते। इसका साइज वगैरह अगर सेट करना होगा तो वो अभी देखते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा वो तो सेट कर लेंगे, सेव किया। अभी इस तरीके से आ रहा है ये, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, टॉप रख लेते हैं।
आ गया इस तरीके से। हाँ मुझे सेंटर क्यों नहीं दिया? क्या कह रहे हो तुम? सेंटर क्यों नहीं दिया? ये कंटिन्यूअस विद ईमेल में या अपना ऑटोमेटिक सेंटर ले रहा है? टेक्स्ट सेंटर इसलिए नहीं दिए क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और लाइन आइटम सेंटर से ये सेंटर में आ रहा है। तो सर ये टचेबल ऑपेसिटी तो फिर हमने दो बार लिया है ना? हाँ तो दो बार लिया तो दो बार ही तो आ रहा है, कंटिन्यू विद ईमेल भी तो आ रहा है, एक बार ये रहा तो एक ये रहा। एक ही अब ऊपर वाले पे तो लिखा रहा है लॉग इन में सेंटर दिया है आपने, जस्टिफाई कंटेंट लगा आइटम सेंटर लॉग इन में, तो इधर भी तो देना पड़ेगा सेंटर। काय को देना पड़ेगा टचेबल ऑपेसिटी, दो बार नहीं लिया ये मैंने, एक ये रहा और एक ये रहा, दो बटन ही तो है ये, एक थोड़ी ना है। ठीक। इसके बाद इसका क्या क्या चीज है ये भी हमारे पास, ये कलर में आ रहा व्हाइट ऊपर वाला, वेब वेट्स दीज वेट्स आर ओनली इंटेंडेड फॉर द वेब, वेब के लिए है ये, इसलिए अप्लाई होकर के नहीं आ रहे, वही मैं सोच रहा था क्यों नहीं आ रहे। ये ले लेते रोबोटो वेट्स, इसमें रेगुलर दे देते हैं, ये तो नहीं है। हाँ गया, हाँ तो गया लेकिन फॉन्ट वेट तो मैं देखा कि कैसे यूआई बना दी मैंने एक की। इसमें कोई डाउट? ये आपने इधर जो कर्ली ब्रेसेस में दिया ना, टैग स्टाइल सिस्टम वेट डॉट रेगुलर, हाँ एक लिस्ट कर्ली ब्रेसेस कर्ली और ब्रेसेस स्क्वायर ब्रैकेट्स में भी दिया है, इसको हटा सकते हो चाहो तो। और ऊपर जो टैग स्टाइल कलर इज इक्वल टू व्हाइट का लॉगिन का जो कलर दे दिया कर्ली ब्रेसेस। ये हाँ ये तो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि तुमने एक तो इसकी स्टाइलिंग लगाई है और एक इनलाइन स्टाइलिंग लगाई है, इसलिए ये तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है। सबसे पहले आप सिंपल सिंपल व्यू बना लो, जो भी आपको बनाना है वो बना लिया, उसके बाद उसकी स्टाइलिंग करी जैसे कि मैंने अभी करी है, समझे? ये ऐप, इसके बाद तुम लॉगिन करने के बाद अब दूसरी स्क्रीन पे जाओगे, जैसे इस वाली स्क्रीन पे गए तो ये वाली स्क्रीन में अब क्या है, बस ये आइकन ही तो है, इस आइकन की जगह दूसरे आइकन रख दो, ये तो मैं बनाना ही आता है। सर्च बार तुम्हें पता ही है कि कहाँ से रखोगे, है ना? इसमें क्या है, इसमें चार व्यू बनेंगे, या तो फ्लैट लिस्ट ले लो, फ्लैट लिस्ट ले लो व्यू बनाने की जगह, फ्लैट लिस्ट ले लो और फ्लैट लिस्ट के थ्रू ये चार डेटा डाल दो और उससे ये आ जाएगा आराम से, जीरो क्लासेस और ये 5 9 डिसीजेस वगैरह लिखी हुई है, हेड एंड फेस 9 डिसीजेस। वैसे ये वाली जो है ना, ये वाला फॉन्ट जो है वो मॉन्स्टेरेटा में तो मैं दिखा देता हूँ, और ज्यादातर हेडिंग्स के लिए मॉन्स्टेरेट ही लिया जाता है, गूगल फॉन्ट्स। यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे देखना MON 13, नो इसको सर, हाँ
इसको अगर डार्क करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगी ये वही फील्ड है। यही तो था, देख लो यही तो है। चलो और मुश्किल। तो ये फॉन्ट ऐसे नहीं होते, मोस्टली ये वाला जो फॉन्ट होता है ना हेडिंग के लिए, वो यही यूज किया था, या रोबोटो यूज किया जाएगा या फिर ये वाला यूज किया जाएगा मॉन्स्ट की तरह। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है? कल अब हम सीखेंगे, कल सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी ऐप आइकन कैसे जनरेट करते हैं, स्प्लैश स्क्रीन कैसे बनाते हैं, और आपकी रिएक्ट नेटिव की एपीके कैसे बनेगी, एंड्रॉयड की फाइल एपीके कह सकते हो, या अब एंड्रॉयड में एक और नया वो आ गया एक्सटेंशन .AAB, वो कैसे बनाते हैं फाइल वो हम कल देखेंगे। इस क्लास से रिलेटेड कोई डाउट? इसके लिए जो वो जो मॉन्स्टर है ये वाला आपने बताया ना माउंट करके, हाँ उसके लिए तो फिर आप सेलेक्ट स्टाइल पर जाकर ये भी फिर पेस्ट मारना पड़ेगा अगर क्या? अरे ये मैंने लगाने तो आपको। सिखाए हैं तुम्हें, गूगल फॉन्ट कैसे लगाते हैं, लगाने हाँ नहीं सिखाई मैंने? लगाना हाँ बताइए। यहाँ सेलेक्ट स्टाइल पर जाना, उसके अंदर एक वो कोड आएगा क्या? सेलेक्ट स्टाइल पर, हमने क्लिक किया ठीक है ना, हाँ उसके अंदर एक छोटा सा लिखा आ जाएगा कोड सा कोड, अरे ये डाउनलोड करनी सेलेक्ट। पड़ती है, ये डाउनलोड करने के बाद नहीं इसमें डालनी पड़ती है एंड्रॉयड वाले फोल्डर में, और एंड्रॉयड जैसे ऐप SRC, और इसमें डालनी पड़ती है एंड्रॉयड बिल्ड था नहीं ऐप था, ऐप SRC मेन रिसोर्सेस कहाँ गया वो, मैंने डाला तो था जावा जेनरेटेड एंड्रॉयड बिल्ड, अरे वो कहाँ गया, अच्छा हाँ मैंने अनइंस्टॉल तो मार दिया था। तुम एक काम करना, मैंने हाँ मैंने ये एप्लीकेशन अनइंस्टॉल मारी थी ना, तो क्या किया था कि वो जो इसमें फॉन्ट्स मैंने डाले थे वो सारे के सारे डिलीट हो गए थे, ठीक है ना, मैंने डिलीट कर दिए थे। तुम एक काम करना, मैंने जब सिखाया था इसी में ट्यूटोरियल पढ़े हैं ना, उसमें सिखाया है कि कैसे आप अपने गूगल फॉन्ट्स को लगा सकते हो एप्लीकेशन में, तो वहां से जाकर के देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगी कि ये वाले फॉन्ट हम कैसे लगाते हैं, समझे? हाँ आपने वीडियो तुम्हारी डाल लोकेशन, दी ना, हाँ आपने वीडियो डाल दी ना कल हाँ मैंने वीडियो डाल दी की सारी, आज वाली भी पड़ जाएगी, ये आज UI बनानी सिखाई है तो ये भी पड़ जाएगी। थोड़ी सी दिक्कत आई थी बनाने में, क्योंकि टाइपोग्राफी ये वाली जो है ज्यादा यूज नहीं करी है, पर ये पड़ी हुई थी तो मैंने लगा दी सही। बस सबसे पहले याद रखो कि ये आप अपना कोड लिखो जो भी है, सेट करो इमेज वगैरह को, उसके बाद बाकी की स्टाइलिंग होती है। देखो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आपकी इमेजेस जो होती हैं वो सेट करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और लेआउट को, ठीक है? चलो ठीक है, हाँ ये पूछा था, ये पूरा यूआई है ना, और ये UI है। अब यूएक्स जैसे क्या इस पे होता है क्लिक इसमें? करके लॉग इन करके यूजर जहां जा रहा है, अच्छा ठीक है ठीक, ना, तो वो एक यूजर एक्सपीरियंस के अंडर में आता है। अच्छा, पर ठीक। हाँ जैसे क्या है, लॉग इन करने पे मैं दूसरी स्क्रीन पे गया, अब वो कुछ एप्लीकेशन में होता है बहुत ही मतलब रिजिड तरीके से जाता है, स्मूथली नहीं जाता एप्लीकेशन का ट्रांजिशन, होता ना रिजिडली होता थोड़ा सा, तो वैसे नहीं होनी चाहिए। देखो डीबग एप्लीकेशन होती है, दो तरीके की एप्लीकेशन होती है, अभी जिस पे काम कर रहे हो और तुम्हारे मोबाइल में जो इंस्टॉल होकर के आई है वो एक डीबग एप्लीकेशन है जिसमें आप चेंजेस कर रहे हो, इसके बाद जब हम कल बनाएंगे जो एपीके बनेगी वो होगी रिलीज एप्लीकेशन, जिसमें हम पूरे का पूरा स्प्लैश स्क्रीन बनाएंगे, ऐप आइकन बनाएंगे, ठीक है, तो वो सारी चीजें आएगी। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक ओके। होप आपको चीजें समझ आई होंगी, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounlearnless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।